चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस OTT3 शुरू होने के बाद से ही खूब लाइमलाइट में है। जैसे जैसे ग्रैंड फिनाले करीब आ रहा है, शो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि इस बार शो का विनर कौन होगा, ट्रॉफी और कैश प्राइज को लेकर कौन जाएगा। पिछले हफ्ते लवकेश कटारिया, शिवानी कुमारी और विशाल पांडे एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट किए गए थे। वीकेंड का 12 एपिसोड में इन तीनों में से दो यानी शिवानी कुमारी और विशाल को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सबसे पहले शिवानी घर से बाहर हुई, उसके बाद विशाल बाहर हुए। जिसमें से एक ऑडियंस की वोट की कमी से बाहर हुआ तो दूसरा हाउसमेट्स की वोट की वजह से बाहर हुआ। घर से बेघर होने का नाम अनाउंस होते ही शिवानी रोने लगी और घर वालों ने उन्हें दिलासा देकर विदा किया। शिवानी कुमारी के घर से बाहर जाने पर उनके फैंस को काफ़ी गहरा सदमा लगा है। शिवानी कुमारी भले ही फिनाले में न पहुंच पाई हूं, उनके जाने से फैंस और घर वाले दुखी हों, लेकिन उन्होंने इस शो से अच्छी खासी फीस वसूली है। वह बेशक ट्रॉफी न जीत सकी हों, लेकिन विनिंग अमाउंट के करीब उन्होंने कमाई कर ली है। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक शिवानी को प्रति एपिसोड 50,000 रुपये मिले हैं, यानी अब तक शिवानी ने इस शो से करीब 18.5 लाख रुपए की कमाई कर ली है, जबकि बिग बॉस OTT3 को जीतने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम मिलता है। फिलहाल ये आंकड़े कितने सही हैं और कितने नहीं, इस बात को लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। शिवानी के एविक्शन के तुरंत बाद विशाल को भी घर से बाहर कर दिया गया। विशाल पांडे और शिवानी कुमारी के बेघर होने के बाद से अब 7 लोग घर में बचे हैं। इस लिस्ट में रणवीर सॉरी, अरमान मलिक, कृतिका, सना मकबूल, लव कटारिया, साई केतन और निजी। अब देखना है कि बिग बॉस OTT सीजन 3 के विनर की ट्रॉफी किसके हाथ लगती है। इससे पहले घर से नीरज, पायल मलिक, मुनीषा, चंद्रिका दीक्षित, पॉलोमी, दीपक चौरसिया, सना सुल्तान, अदनान शेख शो से बाहर हो चुके हैं।